सुबह की बड़ी खबर यह है, मुख्तार की शव का पंचनामा जारी है। उमर के पहुंचने के बाद पंचनामा शुरू हो चुका था और पंचनामे के बाद अब पोस्टमार्टम होगा, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा पोस्टमार्टम। तो पंचनामा शुरू हो चुका है, पंचनामा जारी है, मुख्तार के शव का पंचनामा इस वक्त चल रहा है। उमर के पहुंचने के बाद पंचनामा शुरू हुआ है और पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम होगा। तो 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम ये पोस्टमार्टम करने वाली है, लेकिन पंचनामा शुरू हो चुका है, सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। फिलहाल पंचनामा शुरू हो चुका है, उमर अंसारी के पहुंचने के बाद शुरू हुआ है पंचनामा और अब थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। 9 सदस्य अंदर रहने वाले हैं जब पोस्टमार्टम होगा, लेकिन 5 सदस्यीय विशेषज्ञ की टीम डॉक्टर्स की जो पोस्टमार्टम करेगी, उस दौरान उमर अंसारी भी मौजूद रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पंचनामा अभी शुरू हो चुका है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या अपडेट? देखिए, आपको मैं कुछ अपडेट दे देता हूँ इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल पंचनामा जो है वो लगातार जारी है और करीब 11 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 1 बजे तक ये पूरा पोस्टमार्टम जो है चलेगा। और 1 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि जो डेड बॉडी है उसको यहाँ से जो है भेजा जाएगा। और उमर अंसारी इस वक्त अंदर मौजूद है, इसके साथ साथ उमर अंसारी के साथ जो दो उसके चचेरे जो भाई हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ एक ड्राइवर जो है वो अंदर मौजूद है। पोस्टमार्टम हाउस में जब ये पोस्टमार्टम शुरू होगा तो अंदर केवल उमर अंसारी को ही जाने की इजाजत रहेगी। फिलहाल जो पंचनामा है वो किया जा रहा है, 5 लोग के बयान जो है वो दर्ज किया जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए थे, न्यायिक जांच भी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि 1 बजे के आसपास ही बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद जो है जो शव है उसको यहाँ से निकाला जाएगा और सीधे गाजीपुर के लिए जो है शव वाहन से भेज दिया जाएगा। तो ये फिलहाल अभी तक का अपडेट है। उमर अंसारी इस वक्त अंदर ही मौजूद है और लगातार जो है पंचनामा की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। और विशाल, पंचनामा के बाद जब पोस्टमार्टम होगा उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? क्योंकि पहले उमर अंसारी के पहुंचने का था और अब आप बता रहे हैं उनके साथ उनके चचेरे भाई भी पहुंचे हैं। नहीं देखिए, उमर अंसारी जो है पोस्टमार्टम के वक्त अंदर रहेंगे, कुल 9 लोग पोस्टमार्टम के वक्त अंदर रहेंगे जिसमें 5 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ एक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही वीडियोग्राफर जो है जो वीडियो बनाएगा पूरे पोस्टमार्टम की वो मौजूद रहेगा, जेल से जो जेल मैन्यूअल होता है उसके अनुसार एक जेल से अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ उमर अंसारी अंदर मौजूद रहेंगे। कुल 9 लोग जो हैं वो इस पूरे पोस्टमार्टम में अंदर पोस्टमार्टम हाउस में रहेंगे, इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है कि पोस्टमार्टम के बाद बिसरा को जो है सुरक्षित किया जाएगा। मतलब साफ है कि कोर्ट में अगर जरूरत पड़ती है तो इस बात को कहा जा सके कि बिसरा जो है वो पोस्टमार्टम के वक्त बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है, तो बिसरा को भी सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कल को अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है कोर्ट में जाता है तो इन सब चीजों को लेकर बिसरा सुरक्षित रखने की बात जो है कोर्ट में कही जा सके। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल अभी तक अपडेट यह आ रही है कि न्यायिक जांच के भी आदेश हो गए हैं और जो है फिलहाल जो पंचनामा है वो मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जो है किया जा रहा है। एक अपडेट आपको मैं और देता हूं कि सीओ के नेतृत्व में जो टीम है वो यहां से शव को लेकर जाएगी और जो यहां के सीओ हैं उनके नेतृत्व में जो टीम है ठीक है ठीक है ठीक है, इस पर अभी आगे बातचीत करेंगे। बने रहिए विशाल हमारे साथ, लगातार हमें विशाल अपडेट पहुंचा रहे हैं कि